परेशानी नहीं आएगी, हमारी जिंदगी में जिल्लत है। वो प्राइम मिनिस्टर भीख मांग के फिर रहा है, ठोकरें खा रहा है। अब तो खैर जनरल बाजवा का बयान आ गया है कि 40 मिनट मैं इसको बुरा भला कहता था, ये चुप करके शहबाज शरीफ मेरी बात सुनता था। अब ये होता है कि जब डिक्की में घुस के आप प्राइम मिनिस्टर बनने की कोशिश करें। बहरहाल मैं आगे आपको बताता हूं। देखिए आप सुने मेरी बात, देखिए आप हिंदुस्तान की तारीख देखें, जब दिल्ली की सल्तनत थी 350 साल, जो हुक्मरान जिसके दौर में इंसाफ था वहां खुशहाली थी, जो जालिम था वहां कैद भी पड़े। तारीख उठा के देख लें, जब शेरशाह सूरी जो हिंदुस्तान का बहुत ही अजीम लीडर था वो कैसे ऊपर आया था, उसके बाप की एक जागीर थी, उसको कहा वो जागीर संभालो बिहार के अंदर, उसने जागीर को एक मिसाल बना दिया। कैसे? कानून की हुक्मरानी कायम करके सारे बड़े बड़े डाकुओं को उसने मार दार के भगा दिया, अमन कायम कर दिया, सारे इर्द गिर्द से जो ताजर थे वो सारे उधर पहुंच गए, वो खुशहाल हो गया, सबसे ज्यादा खुशहाल उसकी जागीर हो गई, उधर से वो उठा। तो जब विंस्टन चर्चिल जब दूसरी जंग अजीम में तबाह हो रहा था बरतानिया, तो उससे जब लोगों ने आके पूछा कि जी हम बच जाएंगे, हिटलर की फौजें पहुंच गई हैं, यूरोप फतह कर लिया है, जब बमबारी हो रही है, क्या हम बच जाएंगे, तो चर्चिल ने कहा कि क्या हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं? जब उन्होंने कहा हां, तो कहता कोई ताकत नहीं हमें हरा सकती। तो मेरे पाकिस्तानियों ये याद रखें कि जो जुल्म का निजाम है, यह फैसला करना कि आपने उसका मुकाबला